की फिल्म को मैं लेके आया हूँ, अभी प्रयागराज से लेके आया हूँ। इसी में पहली बार सेलेक्ट हुई हमारी शहर की फिल्म, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे शहर के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ मैं काम करता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय टेक्निक सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म, मैं एज अ टेक्निकल पर्सन हूँ वहाँ का, तो बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी को एज अ थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स जो इस फिल्म को किया, जो राजा राम तिवारी थे उन्होंने 75-70 साल काम किया, मैंने तो 11 साल काम किया, बट उनके पूरे जीवन को मैंने उनको जिया है, देखा है, महसूस किया है, और तभी मैं इस फिल्म बनाने के योग्य हूँ। और इसके लिए बहुत ये क्या बोलते हैं एडिटर हैं और क्रिएटिव इनपुट जो उन्होंने दिया है, समय समय पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है इस फिल्म के बारे में, और जो क्रू मेम्बर्स हमारे हैं संयुक्ता प्रोड्यूसर असिस्टेंट एज डायरेक्शन एंड राजमणि मौर्य एज DOP, बहुत साथ दिया वो गति ने, तो चलिए चाहिए। और कहानी ये भूले बिसरे लोगों जो कुंभ मेले में गुम हो जाते हैं, आपने हिंदी फिल्म में बहुत सुना कि ये दो भाई भी छड़ गए कुंभ मेले में, उनको कैसे मिला, लास्ट में मिला, तो वो फिल्म में दिखाते थे कि बड़े हो गए सब मिले, लेकिन राजा राम तिवारी लाइव मिलाते थे लोगों को, मतलब सही रूप में, चाहे 1 घंटे में, चाहे 2 घंटे में, 2 दिन में, 2 महीने में, कभी कभी 2 साल भी लग जाता है, लेकिन परिजनों को वो मिलाते थे। ये फिल्म का मेरा मेन मकसद है कि जो भूले बिखरे हैं उनको मिलाना है, और उन्होंने मिलाया है बहुत अच्छे से, लोग रोते हुए आए हैं और हंसते हुए गए हैं। उसी के बारे में क्या कहना है, उसी एज द फर्स्ट बार आया हूँ तो मैं तो कुछ शॉक है, जो इतना बड़ा मंच है और इतना बड़ा मंच है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब माई प्राउड ऑफ मेरी फिल्म को ये जगह मिली है यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसकी देख के। मन करता है मैं हर साल फिल्म बनाऊँ, और हर साल सेलेक्ट हो तो मैं आऊँ, और नहीं होगा तो भी मैं आऊँगा। इसलिए ये बहुत बड़ा मेला है और मेरे लिए कुंभ मेले से जैसा सर गोवा में आप पहली बार आए थे, तो गोवा के बारे में कुछ कहना है। चाहेंगे? गोवा में पहली बार आया था, कई बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आने के लिए, लेकिन मैं टालता रहा, पता नहीं क्यों टालता रहा। मैं बॉम्बे में था, लोग कहे चलो गोवा चलते हैं, शूटिंग्स भी 2 बार मौका मिला, लेकिन मैं नहीं आ पाया, ये कह के टाल दिया कि पहली बार जाएंगे जाएंगे तो बियर जरूर पिएंगे, बट मैंने कभी बियर नहीं पिया। लेकिन आज मेरी बेटी कहती पापा बियर पिलाओगे, ये बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के, जो मैंने लोगों से कमिट किया था मैं गोवा नहीं जाऊँगा। गोवा इसलिए जाना जाता है कि यार वहाँ इंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट मैं कभी इंजॉय लाइफ में किया नहीं, लेकिन मेरा ये था कि मैं गोवा जाऊंगा, लेकिन गोवा मुझे रोक रहा था, पता नहीं क्यों रोक रहा था। कई बार अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन नहीं आ पाया। मुझे लगता है कि इफ ही मुझे बुलाया तब मैं आऊंगा, ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है शायद इसीलिए मैं नहीं आ पाया कि इफ ही मुझे बुलाएगा, तो आज मुझे इफ ने बुला लिया और मैं आपके सामने आ नहीं गया। नहीं है, बहुत फॉर्मेट चेंज हुआ है, टुकड़े टुकड़े में पैसा लेके फिल्म बनाया है, कई टुकड़े मुझे हेल्प किया, जैसे डॉक्टर अचना वाल एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरी, तो बहुत सारे लोग हेल्प किए हैं, नहीं किया, लेकिन ये बहुत गरीबी में फिल्म बनी है, मतलब पेट काट काट के उसको मैं पोस्टर चीज़ें मैंने बेचनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ बहुत कठिन है, अभी भी कठिन है, आने से पहले भी मैंने कुछ लोन लिए तब मैं यहाँ पे आ पाया। थैंक यू सो मच।